गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, हेलो, यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल सी द चैप्टर नंबर टू ऑफ द एंड ऑफ माय अजम्पशंस ऑफ माइज्म, द थर्ड बुक ऑफ डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर। So the chapter number two, significance of study of the body and pathology to simplify the understanding of the abstract mind and abstractness of miasm. So abstract mind and abstractness of miasm. तो आज हम study करेंगे body and the pathology to simplify the abstract mind and abstractness of mind, miasm. So miasm, the theory of chronic diseases, is not an abstract. Abstract, that means, what is the meaning of abstract? Gist, sir, gist. Gist, or कोई बताए abstract, that means कल्पित, imaginary, काल्पनिक। so माइज्म के लिए abstract बोलना, जैसे माइंड के लिए बोल दिया इट्स ओके, बट माइज्म के लिए एब्स्ट्रैक्ट हम बोल ही नहीं सकते। सो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी फ्लोटेड बाय डॉक्टर हैनेमन, ही प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस आफ्टर 12 इयर्स ऑफ टॉयल एंड एक्सपीरियंस। यस, तो 12 साल जिस इंसान ने इसके पीछे लग के अपने लाइफ के 12 साल गमाए उस थ्योरी को एब्स्ट्रैक्ट कहना नहीं कहना ये डिसाइड कीजिए। सो ही डिक्लेयर्ड इट एज हिज ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, विदाउट विच इवन डिस्कवरी ऑफ साइंस ऑफ होम्योपैथी वॉज इनकम्प्लीट। यस, अगर थ्योरी ऑफ माइज्म हैनेमन नहीं लिखते थे तो होम्योपैथी बिकम्स यूजलेस, इनकम्प्लीट, इनसफिशियंट। सो ही वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ माइज्म। ही ऑल्सो रूड द फैक्ट दैट साइंस वॉज नॉट एडवांस इनफ टू प्रोवाइड अ एक्सप्लेनेशन टू हिज theory of chronic diseases. Nevertheless, he has put in a bold the explanation based on logic and experience, which explains the theory of miasm. Taking it as pure hypothesis, homeopaths have tried to cash in on absence of certain scientific explanations. Some have implied it as a hoax, some try to dilate, inflate, and even distort the theory of miasm to the extent of adding newer and newer miasms based on disease suffered. Yes. तो जो कल हमने डिस्कस किया था, सर ने यहाँ लिख ही दिया कि कैसे लोगों ने माइज्म थ्योरी को, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज को अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से उसे एक्सप्लेन किया और डिस्टॉर्ट किया। जिसे समझा नहीं उसने छोड़ दिया, जिसको थोड़ा सा समझा लेकिन अपना कुछ ऐड करके उसको डिस्टॉर्टेड बना दिया। और किसी किसी ने न्यू माइज़म्स उसमें ऐड करके ऑन द बेस ऑफ डिजीज उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दिस इज अ
dangerous psychosyphilitic trend of putting forth imaginary hypothetical propositions. In the age of sufficient advantages of human-related sciences, instead of attempting to explain the fantastic Hahnemannian thoughts which are of utmost nostandemic perfection, such modification of myism shall only end up confusing the already confused homeopath lot and lead to certain doom of homeopathy for those who blindly follow it. Yes. The science of homeopathy with its myism theory is now no more unexplainable. Homeopaths have been living in a cocoon of their own. Yes. So, आप देखिए जितने भी homeopaths हैं हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ अपने तरीके से अपने mind के हिसाब से practice करते हैं. ओरिजिनल एक जगह रहता है और अपना अपना फार्मूलाज अपने अपने हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न रेपर्टराइजेशन पैटर्न है ना एनालिसिस पैटर्न बना लेते हैं. इसीलिए सर ने कहा है कि होम्योपैथ्स हैव बीन लिविंग इन अ कोकून. उन्होंने अपने आजू बाजू ने बाजू में एक जाला बना लिया और उसके बाहर देखते ही नहीं सीखते ही नहीं. कुछ तो डॉक्टर्स ऐसे है कि उनके माइंड में जो बैठ गया वो उससे बाहर निकलते ही नहीं, ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते ना कुछ मतलब अपना कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते. कुछ सीख भी लिया कुछ देख भी लिया फिर भी वो अप्लाई करते नहीं, क्योंकि जो जिस सिस्टम की उनको हैबिट हो चुकी है वो हैबिट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं. यस सो दे हैव बीन हैप्पी इनफ टू कॉल देमसेल्व्स फॉलोअर्स एंड और मास्टर्स ऑफ अ मिस्टिक साइंस. द साइंस अपीयरेंट मिस्टिक 200 इयर्स बैक द मिस्टिक मैजिकल वर्ड लाइक द वाइटल फोर्स द सोरा द साइकोसिस and the syphilis have helped them to view a web of mysticism, confusion and pseudoism around themselves and the science. But with the never-ending ray of hope that our science is different can be that my solution to the incurable mysteries of mankind in the distant future, one is waiting for the distant future, the psychotic minds amongst us float theories beyond the realm of human reality. Theories and hypotheses were proposed by Hahnemann 200 years ago because science was not advanced enough. Theories or hypotheses being proposed by homeopaths today either stink of sly intention of one upmanship on the great master or to lure the mesmerizable homeopaths like the peeper to make homeopathy a midsummer night's dream. Yes. सर ने इस माइंड को साइकोटिक माइंड कहा है कि जो अपना थेरी बना लेते हैं अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं कभी मतलब नया कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होते. जो हैनेमन ने बताया उसे भी समझने के लिए तैयार नहीं. जो अपने अपने कंसेप्ट उन्होंने बना लिए बस उसी में प्रैक्टिस करते रहते हो अपना लाइफ जीते रहते. सो दिस इज कॉल्ड द साइकोटिक माइंड. इसे आप शालो साइकोसिस कहिए या फिर जो कुछ डॉक्टर्स है जिन्होंने कुछ थेरीज बना लिए कुछ उसे इस मायाज़म को मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज में कलर्स में उसे डिफाइन करके या फिर कुछ अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिजीज मायाज़म न्यू मायाज़म बना के उसे सर ने हाइपोथेसिस कहा है. उसे एक्सेस साइकोसिस कहेंगे हम एक्सेस साइकोसिस माइंड कहेंगे और अपने अपने हिसाब से कर रहे. यस सो इट इज एसेंशियल फॉर ऑल होम्योपैथ्स टू ब्रेक दिस कोकून
or a spell of supernatural feeling and delusion and to come out in the light. जो लोग मायजम मेरी समझ नहीं पाए, अगर समझना है तो उस डिलूजन से, इल्यूजन से बाहर आइए. इन द लाइट ऑफ साइंटिफिक एडवांसेस ह्यूमन बीइंग इज मच मोर क्लियरली विजिबल नाउ राइट अप टू सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट एनर्जीज सेल्स जीन्स एंड वायरसेस which disturb it. Using the light of knowledge endowed to us with the advent of electron microscope, the world has moved ahead, albeit in the wrong direction, and unfortunately the followers of one of the great masters with post-modern thoughts are still thinking in the jungle of Africa or India with their primitive knowledge. Yes. ये यहाँ पे सर ने इसलिए कहा है कि कुछ लोगों को मॉडर्न साइंस का इतना अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया प्रैक्टिस थ्रू प्रैक्टिस अंडर प्रैक्टिस, तो वो जो मॉडर्न साइंस का नॉलेज है फिर उनको वो नॉलेज होम्योपैथी में आगे बढ़ने ही नहीं देता. मैं मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का एग्जाम्पल बताऊंगा, जो हम साथ में पढ़े, साथ में होम्योपैथी सीखे, सर के कितने सारे वर्कशॉप्स सेमिनार्स डॉक्टर होम्योपैथी के साथ में किए, लेकिन वो फ्रेंड स्टार्टिंग से एलोपैथिक अंडर एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा था, अंडर प्रैक्टिस में था, आईसीयू में कितने साल जॉब किया, तो एलोपैथिक मॉडर्न साइंस का इतना परफेक्ट नॉलेज उसे हो गया. फिर होम्योपैथिक कंसेप्ट उसके सामने फीके पड़ने लगे. इतने सारे होम्योपैथिक सेमिनार्स किए, वर्कशॉप किए, लेकिन वो नॉलेज आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था, इसीलिए होम्योपैथी में कभी आगे ही नहीं बढ़ा. आज भी हमें इस बात का बहुत दुख होता है, बहुत हम सैडफुल फील करते हैं कि इतना अच्छा टैलेंटेड लड़का बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज आगे नहीं बढ़ पाया, प्रोग्रेस नहीं कर पाया. क्योंकि क्या होता है, अगर किसी भी केस में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन दिखे तो सीधा फिर रेफर कर देना, नहीं नहीं एलोपैथी ले लो, अब दूसरी मेडिसिन ले लो, तो वो एलोपैथी एक डर पैदा करता है मन में. मॉडर्न साइंस क्रिएट अ फियर इन आवर माइंड, दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट फियर वी बिकम अ वीक. सो फिर वो आपका होम्योपैथिक कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं होने देता. और अगर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना है तो आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत, कॉन्फिडेंस हाई होना ही चाहिए. अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो ये आप प्योरली सक्सेसफुली होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं. यस, सो दीज आर द कंडीशंस विच प्रिवेल इन अवर होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी. Our primitive status and blind follow invite lots of witch doctors to propose theories, their theories, theories after theories, only to abandon them later, so that this reason-gifted mind can put forward rational explanation to appear as saviors on the road to progress. Yes. तो ये कितने बार लोगों ने होम्योपैथी को कॉन्ट्राडिक्ट किया, किसी किसी ने इसे मतलब यहां तक पहुंच गए कि ये कुछ तभी जादू टोना टाइप विच साइंस, जादू टोना टाइप है. कोई कहता है कि इसमें मेडिसिन होते ही नहीं, उनके डाइल्यूशन होता है, इनके मेडिसिन इतने डाइल्यूटेड होते हैं कि वो वर्क ही नहीं करते. तो अपने अपने तरीके से लोगों ने इसे कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसे क्रिटिसाइज किया, नाम रखे, लेकिन इस पे भी हैनेमन ने क्या कहा है, इन एपोरिज्म 144 हैनेमन से, फ्रॉम सच अ मटेरिया मेडिका एवरीथिंग दैट इज कंजंक्चुरल
all that is mere assertion or imaginary should be strictly excluded. Everything should be the pure language of nature, carefully and honestly interrogated. Yes. So, when one deals with only the mind in arriving at the simillimum, one tends to go into abstract or spiritual dimensions. Imaginations and conjecturals take the place of facts, the solidity. Homeopathy ke jitne bhi facts hai aur rules hai, wo solid hai. Firm hai apne is pe. Similia similibus curans. जो हैनेमन ने 300 साल पहले लिखा है, अभी भी वही रूल के हिसाब से रिजल्ट आते हैं, अभी भी वही कार्डिनल प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, अभी भी आप वो कार्डिनल प्रिंसिपल फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलते, सिंगल डोज, सिंगल रेमेडी, सिंगल मतलब मेडिसिन एंड सिंगल डोज, नो रिपीटेशन, नेवर वांट्स रिपीटेशन इफ आवर योर रेमेडी इज राइट. Potentization, dynamization, वही rules है, वही है. आप देखो modern science में कितने medicines आते हैं और उसके generation to generation निकलते हैं, है ना, higher generations पे जाते हैं, उनके powers बढ़ते जाते हैं, कि कुछ दिन बाद एक antibiotic आता है, उस कुछ दिन बाद लोग उसे resistance create कर लेते हैं और उसके बाद उसको मेडिसिन वो एंटीबायोटिक वर्क करना छोड़ देता है. लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है. होम्योपैथी में आप देखो नक्स वोमिका 300 इयर्स बैक जिस तरह से प्रूव हुई थी, जिस तरह से उसका पोटेंटाइजेशन हुआ था, उसी तरह से आज भी होता है और आज भी वो उसी इंटेंसिटी से वर्क करता है. नक्स वोमिका 30 भी वही 30 के हिसाब से वर्क करता है, 200 के हिसाब से वर्क करता है, 1 mm 1 mm के हिसाब से वर्क करता है. आज तक कभी ये सुनने में नहीं आया कि नक्स वोमिका के लिए कोई पेशेंट रेजिस्टेंस हो गया कर, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया कर, नो. तो दिस इज द साइंस. इसलिए हैनेमन ने कहा कि हमारे जो रूल्स है, हमारे जो प्रिंसिपल्स है, वो अभी भी वही है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, फर्म है. Yes. So whether it is in Matriamatica or in the understanding of the Mayaism, these imaginations or the conjecturals are exactly what anyone has told us to have ideas. Such conjecturals are good enough to catch the imaginations of the gullibles and those who like to theorize and fantasize. Building castles in their air is always going to have shaky foundations, especially when not substantiated with enough proofs of concrete and consistent result. Such a distortion of facts of homeopathy will invariably lead to its doom. Yes. ये क्यों है? Because of the lack of knowledge. जिनको ये science समझा ही नहीं और या फिर उन्होंने समझा के लिया नहीं और कुछ अपने हिसाब से हाइपोथेसिस हाइपोथेरीज बनाते गए और इस साइंस को लीड टू इट्स डूम. यस. तो ये जो होम्योपैथी को आज नसीब मिला बिकॉज ऑफ आवर नॉट अंडरस्टूड होम्योपैथी. यस. So Hahnemann himself does advocated solidity and credulism in treatment of patients with homeopathy. With this in view, we would also like to go to study the physical or material visible aspect of human being to understand the meaning of Mayaism. We will try to understand what the body wants to express in the form of physical discomfort when it suffers from various diseases. It will be beneficial to us to understand the pathological manifestations in a disease which, as we know, is because of some deep-seated unseen discretia within the body itself. Yes. So journey from the body to mind
as human being are perfect embodiment of an abstract mind. Yes, embodiment of an abstract mind, spirit, soul and energy in a concrete matter called body. तो ये खाली ह्यूमन ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माइंड बॉडी एंड सोल का क्या मीनिंग है, किस तरह से वर्क करते हैं. सो इफ गॉड हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल यूनिवर्स दस देयर मस्ट बी अ सेंस टू यस. बहुत अच्छा सर ने लिखा है कि अगर ये वर्ड बनाने का कोई यूनिवर्स का गॉड का कुछ एम रहा होगा, इसीलिए बनाया. और उसमें भी ह्यूमन बनाने का, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन माइंड ह्यूमन सोल बनाने का भी कुछ तभी उसका कुछ परफेक्ट ऐसा एम रहा होगा, इसीलिए ह्यूमन को बनाया. सो इफ ही हैज एम्बोडीड आवर सोल स्पिरिट एंड माइंड इन सॉलिड अपीयरिंग बॉडी, there must be a sense to it and relations between each other. ये सब बनाने के बाद आप ये सोचिए कि हमें होम्योपैथ बनाने का भी भगवान का गॉड का कुछ तभी एम होगा कि आपको होम्योपैथ ही क्यों बनाया जाए. So he has not created anything useless, है ना. तो आप होम्योपैथ बन गए मतलब बहुत लो लेयर के डॉक्टर हो गए, लो लेवल के डॉक्टर हो गए, कुछ मिला नहीं करके होम्योपैथी में आ गए. नो, इसका भी कुछ तभी फ्रूटफुल मीनिंग है कि हमें होम्योपैथ बनाए. इफ यू बिकम ग्रेटफुल टू दिस साइंस टू दिस यूनिवर्स टू गॉड, देन उसका रियल मीनिंग समझ में आएगा कि हमें होम्योपैथ क्यों बनाया. इफ यू अंडरस्टैंड दिस साइंस दिस होम्योपैथी द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज द मायाजम द ड्रग्स, देन उसका मीनिंग समझ में आएगा कि रियली व्हाई वी बिकम अ होम्योपैथ. सो वाज ऑलमाइटी अ फूल टू क्रिएट अ केज इन द फॉर्म ऑफ बॉडी टू रिटेन द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ अस, व्हाई देन डिड ही क्रिएट डिफरेंट फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट नेचर्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज एम्पली प्रूव. तो हर इंसान को अलग अलग बनाने का, उसका माइंड अलग अलग बनाने का, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन. तो ये जो इंडिविजुअलाइज गॉड ने इंसान को किया, शायद इसीलिए होम्योपैथी निकाल, शायद इसीलिए होम्योपैथी बनी, क्योंकि अदर साइंसेस में इंडिविजुअलाइजेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ओनली होम्योपैथी में इसको इंपॉर्टेंस है. और शायद इसीलिए होम्योपैथी का बर्थ हुआ, मेंशन हुआ. सो scientists in USA have been able to reconstruct an image of a murderer or a rapist from a clue offered by gene in tissue cells of the criminal retrieved from nails of the victim, and this can include height, weight, age, looks, complexion, nature. ये सब कर सकते हैं from the study of genes. They collect the genes from this क्रिमिनल रिट्राइव्ड फॉर्म, है ना. तो विक्टिम के नेल से, हेयर से, बॉडी डिस्चार्जेस से वो उसकी जीन्स निकालेंगे, जीन्स से उस विक्टिम तक, उस जो भी जिसने भी क्राइम किया वहां तक पहुंच सकेंगे, उसका पिक्चर बना सकेंगे. लेकिन लिमिटेशंस देखो, होम्योपैथी में इन सब चीजों का यूज होता है उसे फ्री फ्रॉम डिजीज करने के लिए, उसे क्योर्ड करने के लिए, उसे हेल्दी बनाने के लिए. लेकिन अदर साइंसेस में नहीं, बिकॉज दे नेवर
apply the term of individualization for treatment. Only homeopathic science is the only and one science to apply this term for treatment. So on the other hand, the material body is a concrete ladder leading to the man or soul or spirit residing within. The best way to all way the Almighty has provided is to take the help of this ladder to systematically reach the destination where the spirit resides. With the address provided, it is foolish to just stand underneath the building and try to imagine to make sterile theories of who could be residing on which floor. This comprises of hit and miss homeopathy. Yes, this is a fault of the right brain dominant to refuse to accept the seen indications and run after proposed hypothetical concept is not homeopathy. तो किसी ने कुछ भी कंसेप्ट बनाए अपने अपने हिसाब से कंसेप्ट बनाया और उसे नाम दे दिया कि ये हैनेमन के बाद का वर्क है. हैनेमन शायद अपना वर्क लिमिटेड बना के चले गए और जो वर्क रिमेन था उसे इस तरह से हाइपोथेटिकल बना के पेश किया. इट इज नॉट अ रियल होमोपैथी क्योंकि जो 300 इयर्स बैक हैनेमन ने प्रूव किया वही आज भी आप उसे रिसर्च में लाओ तो वो प्रूव होगा. सो इनफ इज इनफ. वी हैव टू ब्रेक द हमशक्ल्स ऑफ इग्नोरेंस. वी हैव टू कम आउट द लिमिटेड वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथिक बुक्स. वी हैव टू कम आउट ऑफ द जंगल ऑफ साउथ अफ्रीका. We have to stop believing, supporting, and even blindly following the so-called masters who have taken advantage of our ignorance like the witch doctors of yore. The world outside the jungle of homeopathy is much more advanced. Yes. Jo advance Hahnemann ne 300 years back likh ke rakha hai to his लॉजिकल माइंड वो आज उसी तरह से मॉडर्न साइंसेस के हेल्प से हम प्रूव करते हैं कि यस दिस इज राइट. वाइस वर्सा इससे वो प्रूव होता है और उससे ये प्रूव होता है. मतलब कितना परफेक्टली हैनेमन ने 300 इयर्स बैक लिख के रखा है. यस दिस इज द होम्योपैथी. दिस इज रियल होम्योपैथी और उसे ही फॉलो करो. जो कॉन्क्रीट है जो हैनेमन ने लिख के रखा है जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए. यस और हर अगर हम वो चीज फॉलो करते हैं जो हैनेमनियन है तो उस चीज को किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी. आप इजीली किसी को भी वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं. एनी टर्म एनी डिजीज and any treatment of any disease you can explain. Yes. So this is chapter number 2. So chapter number 2 mein kisi ko koi डिफिकल्टी क्वेरी क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं या फिर हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे. 3 लेना है या फिर कुछ जनरल डिस्कशन करना है. यस हैंड राइज कीजिए अनम्यूट कीजिए और बोलिए. अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो डिस्कस करते या फिर चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करते. Yes, we will make the noise. Start करते हैं सर third chapter. Yes. Chapter start कर देते सर. Discussion तो अपना बीच बीच में होती रहता है. Okay, chapter 3. Yes. Okay. So
चैप्टर थ्री बहुत अच्छा है. सो द चैप्टर नंबर थ्री द मटेरियलिस्टिक बॉडी टू द इमटेरियलिस्टिक माइंड. देखो बॉडी इज मटेरियलिस्टिक क्योंकि बॉडी में हर चीज अवेलेबल है बट माइंड इज इमटेरियल. अब बॉडी का हर पार्ट हर सेल हर टिश्यू हर ऑर्गन दिखा सकते हैं लेकिन माइंड को नहीं दिखा सकते. अगर आपको बोला कि माइंड निकाल के दिखाओ नेवर. दैट्स व्हाई द माइंड इज इमटेरियल बट माइंड इज प्रेजेंट. जब तक आप माइंड कंसिडर नहीं करेंगे योर प्रिस्क्रिप्शन नेवर बिकम अ परफेक्ट. सो तो ये माइंड होता कहाँ है कोई बताओ कि बॉडी में इस पार्ट में माइंड होता है कहाँ होता है माइंड. माइंड हेड में होता है माइंड बॉडी में होता है माइंड आईज में होता है नोज में कहाँ होता है माइंड. जीन्स में सर. यस इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स और सेल्स के न्यूक्लियस में जीन्स में ये प्रेजेंट होता है. So howsoever materialistic it may sound a homeopath who considered himself a holistic healer has no right to neglect the unit of life which is the cell. So her cell ki nucleus mein genes mein ye mind hota hai isliye hum kabhi cell ko neglect kar hi nahi sakte. The cell which makes up a tissue to form an organ and ultimately the system is the building block of man and is a very much a part of the holistic approach. So man as we know is made up of multiple systems. The systems are made up of organs and organs are made up of tissues which in turn are made up of number of cells. The cells is unit of life which is having almost all the properties of the man himself as its functioning is governed by the genes and the genetic code which is inside the nucleus. This nucleus is comprises of what is known as the genotype. What we see outside a representation of genetic code expressed outwards and this is called the phenotype. So two types are given here, genotype and phenotype. So what we see outside is a representation of the genetic code expresses outwards and this is called phenotype. The genetically ruled programs of metabolism, genetically ruled programs of metabolism of differentiation and specialization concerning physical looks, functioning and attitudes of the person find its root in every cell. That is the genetic apparatus of the cell. Thus, the idea of individualization has its roots in every cell. Can a homeopath afford to neglect it? जो जीन्स पूरे ह्यूमन पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के हर फंक्शन को हर ऑर्गन्स को देन एटीट्यूड्स दैट मीन्स माइंड बॉडी एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी ये रिप्रेजेंट करता है जीन्स. तो उस जीन्स को क्या हम निग्लेक्ट कर सकते हैं? नो. सो देयरफॉर इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड मैन हिज डिजीज मेंटल एंड फिजिकल वन हैज टू अंडरस्टैंड हिम एट द सेलुलर दैट मींस जेनेटिक लेवल. दैट्स व्हाई दिस इज टोटली द टर्म ऑफ डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर. क्योंकि जीन्स हैनीमन के टाइम पे तो जीन्स का इन्वेंशन हुआ नहीं था इसीलिए सर ने ये देखो कितना
मॉडर्न साइंस और होम्योपैथी ने सर ने इतना अच्छा को रिलेट किया है और इसको एक्सप्लेन किया है कि उस टाइम पे अगर हैनेमन के टाइम पे इतना साइंस एडवांस होता तो फिर शायद हैनेमन इसी तरह से कुछ थेरी लिखते थे जो सर ने जेगर सर ने इसे कंप्लीट किया। क्योंकि अगर हमें होल मैन को कंसिडर करना है तो हमें उसके जेनेटिक लेवल जीन्स तक जाना जरूरी है। जब हम जीन्स कंसिडर करेंगे तो ही उसको दी मेडिसिन रेमेडीज दी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिविलियन होगी। यस सो सेल एंड इट्स फंक्शंस लिविंग सेल्स प्रोबेबली अरोज ऑन अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन एन एनवायरमेंट दैट वॉज फार फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रेजेंट डे लिविंग सेल्स आर क्लासिफाइड एज प्रो कैरियोटिक दैट मीन्स बैक्टीरिया एंड देयर क्लोज रिलेटिव, और यूकैरियोटिक दैट मीन्स अमीबा एंड हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म इट सीम्स लाइकली दैट द डेवलपमेंट ऑफ द डायरेक्टली ऑटोकैटालिटिक मैकेनिज्म फंडामेंटल टू लिविंग सिस्टम बिगिन विद द इवोल्यूशन ऑफ फैमिलीज ऑफ आरएनए एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स विच स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय सच सेल्स। कोई भी किसी भी स्पेसीज में आप जाइए, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स हो, हर स्पेसीज में जीन्स होते हैं और जीन्स में उसका टोटल जेनेटिक पिक्चर, उसका किस टाइप से कहाँ से उसका बर्थ हुआ, कहाँ से वो आया, कहाँ कैसा उसका आगे का फ्यूचर होगा, ये सब कुछ इनकोडेड होता है। सो ऑल दो दे हैड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर देयर वॉज प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड हेंस दे कुड एडोप्ट टू सुट देयर नीड्स द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल अरोज फ्रॉम द नीड्स। यस ये जो सर ने आ एक्सप्लेन किया है, इन ऑल इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन द जीन। वो पर्सन किस तरह से अपना लाइफ जिएगा, क्या होगा, कैसे वो करेगा सब कुछ, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से लेके तो उसके माइंड, उसका उसे कौन से डिजीज हो गए, क्या होगा, सब कुछ एनकोडेड होता है इन दिस जीन। सो द फर्स्ट नीड वॉज टू सर्वाइव, सर्वाइवल रिक्वायर्ड एनर्जी दस फर्स्ट टू इवॉल्व वेयर थ्री प्रिंसिपल एनर्जी बिल्डिंग और एनर्जी बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दीज आर द मेन थ्री फंक्शंस ऑफ द एवरी सेल्स दैट इज द नीड ऑफ द एवरी ह्यूमन बीइंग। एवरी जीन में ये जीन जिसमें ये जीन्स होते हैं हर किसी का फंक्शन किसी टाइप से चलता है। सो ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस द फूड अवेलेबल टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वाज ब्रोकन डाउन स्टेप बाय स्टेप इन अ सीक्वेंस इन अ स्मॉलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ दिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सेल्स ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यस ये सब हमने फिजियोलॉजी में देखा ही है सर के फर्स्ट बुक में। सो फूड प्लस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एटीपी दैट मीन्स एनर्जी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। सो दिस एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच एक्ट एज एनर्जी करेंसी इज यूज फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स रिएक्शन इन द सेल कैटाबोलिक और एनाबोलिक आर कंसर्न विथ एनर्जी प्रोडक्शन। सो द फर्स्ट फंक्शन सेल और ऑर्गेनिज्म इज टू एक्वायर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। यस सो न्यूट्रिशन का यहाँ एक ही फंक्शन है फॉर द सर्वाइवल। सो द फूड द न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन
यूज राइस टू एनर्जी एंड एनर्जी वॉन्ट्स फॉर द सर्वाइवल. द नीड ऑफ एनर्जी इज फॉर सर्वाइवल. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैन शैल देयरफॉर encompass all the systems which enable oxidation, oxygenation, nutrition and excretion. Yes, to contribute to energy production and neurogenic control to establish biological order. So there are three main functions of the body, that is the respiration, digestion and excretion. So respiration, which helps in obtaining O2 for oxidation and eliminate the waste CO2. The digestion, which helps in digestion and assimilation of food molecule. Excretion, which helps us to eliminate the waste product through stool, urine and skin. So these are the three basic functions for basic function of human being, and other two, that is metabolic activity in human, which helps in production of energy, that is ATP. So excretion, respiration hoga, digestion hoga, excretion hoga, and jo metabolic activities body mein hongi that use rise to ATP, and neuroendocrinal control in order to maintain the biological order. Yes. So these are five basic functions of the body. The second basic function of a living organism, the word of the living being is was and will always be hostile. Yes. The living beings which in this material world represent a fraction of cosmic energy, which rules the universe, have to follow the law of energy. The second law of bioenergetics states that every system, that means living beings also a system, have to degrade, that every life has to end. These functions हर किसी को life देते हैं और life को लेने वाला भी कोई होता है. That means continually these functions do their work for giving the life, and the hostile force which always every time acts on us for taking the life has to degrade, thus every life has to end. So every living being has to die. But the first function of oxygenation, nutrition, and energy production is meant for survival. Yes. So life becomes a tug of war between two forces, one for survival of the fittest, holds good only because the DNA, RNA-oriented genetic structure of the living organism constantly show adaptation in the organism to help it to prolong life. So adaptation, again, the adaptation, evolution, aap dekho, jab insaan is dharti pe aaya, to wo tab ka insaan aur aaj ka insaan mein kitna farak hai, kitna difference hai. ये डिफरेंस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एडप्टेशन एंड इवोल्यूशन. सो अगर ये एडप्टेशन हमारे में नहीं रहते थे तो हम आज भी वैसे ही दिखते थे जैसे जब इंसान धरती पे आया था, दिखता था उस टाइम से. सो एडप्टेशन और इवोल्यूशन, इट इज साइकोसिस. So living organism constantly shows adaptation in the organism to help it to prolong life. ये psychosis अगर नहीं आता था तो शायद हम वही इंसान रहते थे जो only जिंदा रहने के लिए खाते थे पीते थे. जब उन्होंने adaptation start किया
तब जाके इवोल्यूशन हुआ और इंसान हर तरह से अपना प्रोग्रेस कर पाए। फिर इतना प्रोग्रेस हुआ दैट प्रोग्रेस एडेप्टेशंस बिकम सिविलिटी आउट ऑफ कंट्रोल। इंसान उस कॉस्मिक एनर्जी तक पहुंच गया, दैट मीन्स द आउट ऑफ कंट्रोल इवोल्यूशन इज सिविलिटी। सबसे पहले जब आया तब उसे खाली खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए जिंदा रहना पड़ता था। मतलब ओनली द फूड दैट इज द नीड, जब वो नीड के लिए सर्वाइव हो रहा था दैट इज द सोरा, कि सुबह उठे कि शाम तक एक ही खाना कहाँ से मिलेगा। सो दैट इज सोरा, जिंदा रहना है तो खाना चाहिए। देन इवोल्यूशन हुआ दैट इज साइकोसिस। इवोल्यूशन इतना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल बिकम सिविलिटी। सो इन द ऑर्गेनिज्म टू हेल्प इट गो लॉन्ग लाइफ, बट द पीरियड ऑफ द लाइफ इज लिमिटेड एंड दैट इज द इटर्नल ट्रूथ। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी इमॉर्टल एंड ऑर्गेनिज्म ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव इट्स ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय एडेप्टेशन, बट द टाइम कम्स व्हेन इट हैज टू पेरिश। द लाइफ व्हिच वी लीड कुड बी अ वेस्ट। सो द लिविंग बीइंग डिसाइडेड नॉट टू लेट गो व्हाट इट हैज अचीव्ड इन इट्स लाइफ टाइम बाय प्रोड्यूसिंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। इफ नॉट मी माय प्रोजेनी विल कंटिन्यू माय वर्क इन फ्यूचर सीम्स टू बी द स्लोगन। यस देखो दिस इज इटर्नल ट्रू कि हर कोई बर्थ लेता है, एजुकेशन करता है, दैट इज सोरिक स्टेज। उसके बाद जब वो दैट एजुकेशन का यूज करना चाहता है दैट मीन्स फॉर द अर्निंग मनी अर्निंग, उस एजुकेशन का यूज मनी अर्निंग के लिए होता है, तो तब से उसका साइकोसिस स्टार्ट हो जाता है। फिर साइकोसिस स्टार्ट होने के बाद जब वो सोचता है कि मेरा तो हो गया, मैंने एजुकेशन कर लिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया, अब सबसे पहले वो नीड थी, एजुकेशन लेना नीड थी, दैट नीड बिकम हिज सोर्स ऑफ मनी। अब उसके पास मनी इतना आ गया है कि अब उसे लगता है कि अब मनी तो कमा लिया, अब इसे संभालने वाला चाहिए, दैट इज प्रोजेनी। फिर साइकोसिस है ना, फिर अपना ऐसा कोई कि मैं जितना कमाऊंगा मेरे जैसा ही मुझे चाहिए जो उसे संभाल सके, दैट इज द प्रोजेनी साइकोसिस। और वो मुझे ऐसा चाहिए जो मेरा क्लोन हो, मेरे जैसा ही हो, डीटो दैट इज द डीटो। वो डीटो को हम एक्चुअली अपभ्रंश करके डिक्टो कहते हैं। तो मेरे जैसा ही ऐसा चाहिए जो इस सब को संभाल सके, दैट इज साइकोसिस। एंड आफ्टर वर्ड द एंड ऑफ लाइफ, सब कुछ हो गया, सब देख लिया, सब पा लिया, नाउ द एंड ऑफ लाइफ दैट इज देट इज सिफिलिस। सो द लिविंग बींग डिसाइडेड नॉट टू लेट गो वॉट इट हैज अचीव्ड इन इट्स लाइफ टाइम बाय प्रोड्यूसिंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। इफ नॉट मी माई प्रोजेनी विल कंटिन्यू माई वर्क इन फ्यूचर सीम्स टू बी द स्लोगन। डेस्टिनी कैनॉट विन, आई कैन स्टिल स्कोर ओवर डेस्टिनी ऑफ मॉर्टेलिटी बाय क्लोनिंग माई सेल्फ। बहुत अच्छा लिखा, डेस्टिनी कैन नॉट बी ना, इसको कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन हम जीत नहीं सकते, लेकिन हम इतना कर सकते कि भाई हम चले जाए लेकिन ये वेस्ट ना जाए, इसलिए मेरे जैसा ही, मेरा ही क्लोन, मेरा ही अंश आ जाए। इसीलिए आप देखो अभी भी कुछ कुछ
बिजनेस के टाइटल्स ऐसे मिलते हैं, उनके लोगोज ऐसे हैं कि सन्स एंड सन्स एंड सन्स, है ना, वही उनके फादर वही करते थे, फिर उनका बेटा वही कर रहा है, फिर उनका बेटा वही कर रहा है, फिर उनका बेटा, सन्स एंड सन्स एंड सन्स, वही एक ही बिजनेस सैकड़ों सालों से चलते आ रहा है. सो मॉर्टेलिटी ऑफ क्लोनिंग माई सेल्फ, आई एम टू सेल्फिश टू गिव अप ऑल दैट आई हैव लर्न, ऑल दैट आई हैव अचीव, आई विल डिस्यू फेट, आई विल, या दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ साइकोसिस, आई विल डिस्यू फेट. हम मर सकते हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा जो हम जो पीछे छोड़ के जा रहे हैं वो खत्म नहीं होने को ना, वो मरने को नहीं होना, इसीलिए हम हमारा क्लोन तैयार करके रख देते हैं. सो नॉट लेट गो माई गेन्स, यस आई हैव टू रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस. दिस मे हैव बीन द फिलोसॉफी बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड फंक्शन, दैट ऑफ प्रोपेगेशन और प्रोडक्शन और जनरेशन. The second function of generation helps in survival of species. So the first function is survival for self. Second function is survival for species. And at the genetic level, a gene was assigned the task of reproduction of ditto. The process by which it generally multiplies is called mitosis. All the basic functions in a living organism seems to have evolved as primary necessity, and all are concerned with establishing a biological order. For any order to be established, there is a need of law, in absence of which there can be chaos. The law that governs the reproduction inhibits excess production and limits the multiplication, that is 1:2. This is natural. 1:2 is natural, that is mitosis. The process that enables a cell to produce has a series of steps that ensure that one cell divides into two of its ditto kind. The second basic function of living organism is generation, 1:2. If this 1:2 becomes default, it becomes 1:3, 1:4, 1:5, then it is called psychosis. Defense become fail in excess psychosis. So this is the second function. सो फर्स्ट फंक्शन, जैसे ही इंसान इस धरती पे आया, खाली जिंदा रहने के लिए फूड कलेक्ट करता था, दैट इज द नीड ओनली. तब की नीड क्या थी? ओनली द फूड इज द सोरा. सेकंड, अब यहाँ पे नीड नहीं रही, अभी यहाँ पे इतना एक्सेस हो गया, वो नीड को हमने इतना फुलफिल कर लिया, फिर उस फुलफिलमेंट को संभालने के लिए हमें कुछ चाहिए, दैट इज द डिटो इज जनरेशन, प्रोडक्शन इज साइकोसिस. एंड नाउ द थर्ड फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सर्वाइवल ऑफ सेल, द सेकंड हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म इन सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज. तो ये तीन बातें हमेशा ध्यान में रखना. Survival for self is first function, survival for species is second function, but the function of survival of selves and reproduction do not ensure any safety from hostile forces, क्योंकि hostile force always try to take off our life. So in the world, which are constantly trying to end the life, इसीलिए तो हम हमेशा बोलते हैं कि इंसान का लाइफ का कुछ भरोसा नहीं होता है. आप बाहर जा रहे हैं लेकिन लौट के आएंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं. दिस इज जो हम कैजुअली बोल देते हैं, उसका ये मीनिंग है कि कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एंड द लाइफ.
This is called post-time. So for this very reason, the living organism develops a system or mechanism called the immune system. A simple single-celled animal like amoeba developed a very simple immune mechanism which could get rid of harmful agents and protect itself. Yes. ये फंक्शन हर किसी में आएगा, बाद बर्थ आएगा कि खुद को कैसा बचाना है, डिफेंस करना है, दैट इज द थर्ड फंक्शन. सिंपल सेल है अमीबा भी खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जिससे उसे कोई खा नहीं पाता या फिर कोई उसके सामने आए तो वो केमिकल जब स्प्रे करेगा छोड़ेगा तो सामने वाला ऑटोमेटिकली उसका एनिमी भाग जाएगा. सो दिस इज द थर्ड फंक्शन डिफेंस. एज इट इवॉल्व इनटू अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल एंड इम्यून सिस्टम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन अ ह्यूमन बीइंग. द ह्यूमन सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अफोर्ड प्रोटेक्शन इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम डिफरेंटली. यस, हर ऑर्गन्स को, हर सिस्टम को, हर सेल को ये डिफेंस करने की टैक्ट नेचर ने दी है. यस, सो इट हैज मेंटली, फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड इज एंटायरली गवर्न्ड बाय द माइंड एंड द जीन्स. सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज टोटली कंप्लीटली गवर्न्ड बाय माइंड एंड जीन्स. सो द इम्यून सिस्टम, दिस इज अ सिंपल इन अर्ली एंड लोअर एनिमल्स एंड कॉम्प्लेक्स इन मल्टी सेल्युलर एनिमल्स एंड मैन. This is a system comprising of complex action, mental, physical, and physiological, which are brought about as a reaction to a seemingly destructive stimuli. The main aim is to protect life and prevent destruction. This is the third function. The system is governed by the genetic apparatus. The response of every individual organism may be grossly the same but differ in intensity according to nature by every organism. Sorry. So this is the third function, that is it governed by mind and body, that is the immune system of the human being. So does the third basic function evolve to protect the human being, to protect the body, human body? Thus, the three basic functions that a cell performs are: the first function cell or organism is to acquire nutrition and oxygen for only survival of cell. खुद का बचाव करो. Yes. तो अगर हम खुद जिंदा है, खुद का बचाव कर रहे, खुद को जिंदा रख रहे, तभी तो हम दूसरे के काम आएंगे. दूसरों के काम तब आएंगे जब खुद जिंदा होंगे. इसलिए सबसे पहले मेन फंक्शन ये है कि खुद को जिंदा रखो, दैट इज द सर्वाइवल फॉर सेल. प्रोटेक्ट फॉर सेल इज द फर्स्ट फंक्शन. द सेकंड फंक्शन, अब खुद जिंदा है तो दूसरों का प्रोटेक्ट करो, दूसरों को हेल्प करो, इज द सेकंड फंक्शन. द सेकंड बेसिक फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज जनरेशन और रिप्रोडक्शन फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. जब हम खुद को, खुद का देखेंगे, उसके बाद हम दूसरों का देखेंगे. एंड द थर्ड फंक्शन, द बेसिक फंक्शन इवॉल्व वॉज द इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड स्पीसीज.
अब थर्ड फंक्शन ऐसा है जियो यो मरो, है ना, खुद को बचाना है, खुद के फैमिली को, स्पेसिस को बचाना है. दिस इज द थर्ड फंक्शन. द मटेरियल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ सेल्स सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. तो ये तीन फंक्शन यहाँ दिए, बहुत अच्छी तरह से सर ने इसे एक्सप्लेन किया है. यस, तो द मटेरियल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ द सेल्स सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. तो मटेरियल बॉडी ही सफर होगी वेरियस डिजीजेस से. यस, इसमें ही डिजीज होगा. व्हाई? बिकॉज इट इज मटेरियल. माइंड कभी इल नहीं होगा, लेकिन बॉडी बिकम इल बिकॉज ऑफ वेरियस डिजीजेस. तो ये क्यों, कैसे, तो इसे हम कल देखेंगे. ओके, कल तो नहीं, अभी इतना कंप्लीट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. थोड़ा लेट होगा, 5-10 मिनट, सब कुछ चलेगा. एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा. यस, ओके, चले. सो द मटेरियल, यस, थैंक यू. सो द मटेरियल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ सेल्स सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. एज फिजिशियंस एनकाउंटर मेनी डिजीजेस, वेदर वी आर एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, आवर बाउंडेड ड्यूटी इज टू रिलाइव और रिलीव द सफरिंग ह्यूमैनिटी. डे इन एंड डे आउट वी कम फेस टू फेस विद अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस रेंजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी स्किन लिजन्स टू साइकिल एलिमेंट्स टू इरिवर्सिबल पैथोलॉजीज लाइक कैंसर. मोस्ट ऑफ अस डेली डील विद द फॉलोइंग. यस, डर्मेटाइटिस. अब देखो सर ने जो थ्री फंक्शन सर ने एक्सप्लेन किए, अब उस बेस पे सर किस तरह से माइज़म इन मटेरियल बॉडी में जा रहे हैं कि वो मटेरियल बॉडी में क्या इफेक्ट क्रिएट करेंगे. सो इन मटेरियल बॉडी द फर्स्ट फंक्शन विल क्रिएट डर्मेटाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, एपेंडिसाइटिस, सेलुलाइटिस, कोलाइटिस, आर्थराइटिस एटसेट्रा. सोरियासिस, इश्मिक हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर्स, सिस्ट, कैंसर्स, नियोब्लास्म्स. एंड द थर्ड फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, साइकोसिस. एंड द थर्ड फंक्शन, हिस्टेरिया, मैनिया, इंबेसिलिटी, मैडनेस, एपिलेप्सी एंड कन्वल्जन्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, स्कोलियोसिस, ऑफ काइफोसिस, कैरीज, कैंसर, नियोप्लाज्म, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक और वॉल्यूलर हार्ट डिजीज, हिमोराइड्स, अमेनोरिया, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स, डिफनेस, कैटरेक्ट, यूरिनरी कैल्कुलस, पैरालिसिस. मेनी टाइम्स कॉजेस वे आर नॉट नोन, और एट लीस्ट वे आर नॉट नोन अंटिल द रिसेंट एडवांसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स. सो रॉबिन्स पैथोलॉजी एडिशन इन 2001 स्टेट. मोस्ट ऑफ द डिजीजेस इन ऑर्गन्स आर कॉज्ड बाय डी अरेंजमेंट एट सेलुलर लेवल. यस, देखो ये हैनीमन ने 300 ईयर्स बैक लिख के रखा, और मॉडर्न साइंस ने इसे अभी अभी प्रूव किया कि एवरी डी अरेंजमेंट, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द डिजीज इन ऑर्गन्स कॉज बाय डी अरेंजमेंट एट सेलुलर लेवल. तो एक सेल अगर इल होता है तो होल बॉडी विल बिकम इल. इसका मीनिंग सिंपल है ना. सो डीअरेंजमेंट ऑफ डिस्कवर डीअरेंजमेंट और डिसऑर्डर लाइक इन्फ्लामेशन, ग्रोथ, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ड्यू टू द डिफेंस मैकेनिज्म. मतलब सीवियर डीअरेंजमेंट है, डिसऑर्डर और इन्फ्लामेशन, ग्रोथ, डिस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टिव चेंज इन सेल्स,
or destruction, structural change in cells are due to defense mechanism of the cell. So, in the material body, disease starts in the cell. All physical diseases can be traced to organ injury. Yes. So, virtually all forms of organ injury start with physiological, molecular, or structural alteration in the cells. This concept was first put forward by Rudolf Virchow, known as father of modern pathology, many years ago. This means whatever disease a person comes with at the physical level, one needs to understand the changes that have occurred in the cell of the affected organ. The modern medicine goes only as far as to determine the changes at systemic level or organ level or functional level. So in case of gastritis with burning in the stomach, we are told to neutralize the acid with the base and anesthetize the tissues which give burning sensation to benumb it and be pain-free. One does not go into the details of the cell of the gastrointestinal tract to know why they are so sensitive, even if it is due to an increased production of hydrochloric acid, nor do we try to find out what induces the secretory gland to increase the gastric juice secretion. Modern medicine thus teaches us to neutralize the effect when caused remains constant. तो कहने का मतलब यार ये है कि इसके डिटेल्स में कोई नहीं जाता कि why that cells become sensitive to produce more hydrochloric acid. क्यों उसे नीड पर हो गई कि इतना एसिड क्रिएट कर सिक्रेट करना. ऐसे क्या हुआ जिसकी वजह से उसने अपना डिफेंस करने का सिस्टम को चेंज कर दिया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा के. ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो सेल सेंसिटिव हुए और प्रोडक्शन बढ़ा दिया. तो वो डिटेल दैट इज द माइंड माइंड ऑफ सेल्स. तो ये फैक्टर क्यों होता है, क्यों एसिड बढ़ता है, इसके कॉजेशंस अलग है, लेकिन मेन थीम इज that cells become sensitive to produce the more hydrochloric acid for to protect himself. Yes. So this is the defense mechanism. So nor do we try programming. So the cause at the cellular level or glandular secretory level is definitely genetically governed, as it is obvious that in similar conditions and with similar food, all the individuals on the earth will not show the same symptoms of acid peptic disorder. Secondly, the symptoms of pain or burning is not necessary due to acute inflammatory response of the acid peptic disorder. The symptoms of pain, burning, not necessary due to only to acute inflammatory response of the gastric lining. It may be chronic, indurative, or even destructive process going on in the gastric lining. Thus, without determining the physiological, the pathological process underlying a disease, it is foolish to treat a patient with any healing science, be it allopathy, homeopathy, or Ayurvedic, or Unani, etc. Yes. तो सर का कहना है कि जब तक causative factor पता नहीं चलता, तब तक उस secondary symptoms को जो pain है, burning है, उसे treat करना is not a good, क्योंकि only उस acid को block कर देना और
एसिड को ब्लॉक करेंगे, मतलब वहां से वो कॉज, जिस कॉज की वजह से सिक्रेशन बढ़ गया वो तो नहीं जाएगा, वो तो नहीं हटेगा, और दैट कॉज बिकम सप्रेस एंड कुछ दिन बाद फिर दैट सिंपल एसिडिटी में बिकम और मे क्रिएट एन अल्सर इन दैट ऑर्गन, एंड दिस इज द इंडिकेशन दैट द डिफेंस मोड इज चेंज. सबसे पहले इंफ्लामेटरी था, नाउ इट बिकम डिस्ट्रक्टिव. सो इसीलिए राइट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, एंड राइट ट्रीटमेंट इज टू कंसिडर द कॉज. So thus, without determining the pathological process underlying the disease, it is foolish to treat a patient with any healing science. Yes. So if a homeopath, more so with homeopathy, if a homeopath considers himself a holistic healer, he has to right to neglect the unit of life. Yes. So hame unit of life, that means cell. The cell which makes up a tissue to form an organs and ultimately the system. मतलब हमें अगर उस डिजीज को ट्रीट करना है तो हमें उस सेल को कंसिडर करना है, और वो सेल को जब हम कंसिडर करेंगे, इट्स मीन्स वी आर कंसिडरिंग द मैन एज अ होल, क्योंकि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, एंड सिस्टम से होल मैन. एक सेल को अगर उस सेल के माइंड को हम कंसिडर करते तो वी आर कंसिडरिंग द मैन एज अ होल, इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैन एंड इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच. द जेनेटिकली रोल्ड प्रोग्राम्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफेंस एंड स्पेशलाइजेशन कंसर्निंग फिजिकल बुक, फिजिकल लुक्स, फंक्शनिंग एंड एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन. यस. तो हमें कंसिडर क्या करना है, सेल. सेल मीन्स, दैट मीन्स फिजिकल लुक्स, फंक्शनिंग एंड एटीट्यूड, फाइंड इट्स रूट्स इन एवरी सेल. यस. सो इफ वी आर कंसिडरिंग द सेल, वी आर कंसिडरिंग द फंक्शनिंग एटीट्यूड, फिजिकल लुक्स, माइंड एटसेट्रा इन द जेनेटिक एपरेटस ऑफ द सेल. द आइडिया ऑफ द इंडिविजुअलाइजेशन हैज इट्स रूट इन एवरी सेल. Can a homeopath afford to neglect it? Never. So this is the third chapter. So first हम एक 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर लेंगे. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. Please unmute and ask quick. Yes. If you don't like to ask, if you don't have to ask any question, then we will quit the session. Yes. Hello, sir. Good evening, yes. Sir. Great. Sir, in old age, this 85 age में सर spine related problems रहते हैं सर, pain, sciatica, lower back ache. वो तो कौन से भी age में हो सकते हैं? सर specially old age 80 हो गया 85, तो ऐसे cases में सर prognosis कैसा रहेगा सर, उसके approach कैसे करेंगे उसके करने के लिए? जो भी पैथोलॉजी होगी, जैसे मोस्टली वहां सिफिलिटिक पैथोलॉजी होगी, अगर सर्वाइकल लंबर प्रॉब्लम है तो डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे, जॉइंट पेन्स है ओनली, तो वहां पे कुछ तभी डिस्ट्रक्शन होगा, आर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, डिस्ट्रक्शन होगा अगेन. सो डिस्ट्रक्शन एंड दैट मीन्स द मायोसम इज सिफिलिस, तो सिफिलिटिक रूब्रिक्स लेके आपको उनको ट्रीट करना है. Yes. हॅलो. यस सर, लहान मुलांमध्ये जसं वारंवार सर्दी, ताप, खोकला होतात,
त्या याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्यूट केस ऍक्यूटनुसार मेडिसिन द्यावं लागेल. रिकरंट असेल, क्रॉनिक झालेलं असेल तर तुम्हाला जी सी एस. पण सर तो पेशंटला म्हणजे तो पहिल्यांदा आला आपल्याकडे आणि त्याला 2-3 महिन्यापासून वारंवार होत असेल तर मग त्या तशा याच्यामध्ये जीसीएस 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 नेव्हर कन्सिडर नाही करावं लागेल. नेव्हर ट्रीट विथ अक्यूट रेमेडीज, नेव्हर ट्रीट. ओके सर. इट विल क्रिएट अनवॉन्टेड अग्रेशन. ओके. So should I quit? So I hello sir. Hello sir. Yes. सर आता तू पांडव सरांनी प्रश्न विचारला त्याच्याबद्दल पुन्हा सांगा सर की समजा ओल्ड एज म्हणजे जर स्पॉन्डिलायटिस सारखं जर प्रॉब्लेम असेल तर त्याला कसं अप्रोच. बघा ना आधी त्याला मतलब जो भी प्रॉब्लम है जो भी प्रॉब्लम लिया पेशेंट लेके आया लेकिन एज काफी है, ओल्ड एज है तो ऐसे एज में मोस्टली उसे परफेक्टली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि पैथोलॉजी क्या है, साइकोटिक पैथोलॉजी है कि सिफिलिटिक पैथोलॉजी. अगर सिफिलिटिक पैथोलॉजी है मतलब वहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर पैथोलॉजी में डिजेनरेशन डिस्ट्रक्शन आ रहा है तो आपको सिफिलिटिक रूब्रिक से ही जाना है. आपका एनालिसिस ऑलवेज सिपिलेटिक रूब्रिक ही होना चाहिए. तो सिपिलेटिक रूब्रिक्स उसके माइंड से फिजिकल से कुछ अगर पर्टिकुलर में आपको सिपिलेटिक रूब्रिक्स दिख रहे हैं कुछ पैथोलॉजी में दिख रहे हैं तो आप उसे पिकअप करके रेपर्टराइज करके रेमेडी निकालिए और वो रेमेडी भी ऐसी होनी चाहिए जो प्योरली सिपिलेटिक हो. लेकिन इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट भी ऐड करना पड़ेगा, उसकी डिस्पोजिशन भी ऐड करनी पड़ेगी और रिएक्शन भी. सर हाँ सर, ये जो सर कह रहे हैं कि सिपिलिटिक डिजीज होगा सिपिलिटिक रूब्रिक लेना होगा सिपिलिटिक रेमेडी लेना होगा, तो हम लोग मैं तो कम दिन से जुड़ा हूँ ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन ज्यादातर तो सिप्लेनम नहीं आता है. सिपिलिटिक ड्रग तो बहुत सारा है लेकिन एंटीसिपिलिटिक तो सिप्लेनम ड्रग भी है. नो नो नो, सिप्लेनम किसने कहा देने के लिए? किसी ने कहा नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ लेकिन जैसे हम लोग जैसे करते हैं सेंसिटिविटी लेते हैं और सब चीजें लेते हैं उस हिसाब से तो देखिए सिप्लीमेंट तो आता ही नहीं है. सेंसिटिविटी इट इज नॉट अ सिपिलिटी, इट इज साइंस. सॉरी सॉरी, हम मैं कह रहा हूँ आपको माइंड में भी सिपिलिटी रूब्रिक ढूंढना है, फिजिकल में भी सिपिलिटी ग्रुप ढूंढना है, डिजीज मेकअप में भी सिपिलिटी ढूंढना है, उसके डिस्पोजिशन भी सिपिलिटिक होनी चाहिए, उसका रिएक्शन भी सिपिलिटिक होना चाहिए. तो सोरा को छोड़ देंगे सर, जैसे सेंसिटिविटी है सोरा को मैच करना है आपको, सोरा को मैच करना है. जैसे सर सिपिलिटिक डिजीज आया अगर सेंसिटिव टू रूटनेस है तो सोरा को मैच कैसे करेंगे? मैंने कहा है कि आपको सोरा को मैच करना है. थैंक यू सर, कंसिस्टेंट. हाँ, सोरा को एक मिनट मैं आई विल फिनिश माय फर्स्ट. सो सोरा को मैच कैसे करना है? तो जो रेमेडी आएगी उसमें, जो रेमेडी आ रही है, जो रेमेडी आपने सिलेक्ट की है अकॉर्डिंग टू द सिपिलिटिक रूब्रिक्स, तो वो मेडिसिन का जो सोरा है उस पेशेंट का चाइल्डहुड उससे मैच होना चाहिए. मतलब चाइल्डहुड में वो पर्सन जैसे अगर उस जो भी सपोज मर्कसॉल मेडिसिन आई, मर्कसॉल इट इज प्योर सिपिलिटिक राइट. तो मर्कसॉल अगर रेमेडीज आती है तो मर्कसॉल का जो पेशेंट होता है सोरा में कैसे होता है? तो सोरा में पेशेंट बहुत ही इरिटेबल होगा है ना, सिपिलिटिक में वही पेशेंट एंगर वायलेंट में जाएगा. सोरा में वो लीन थीन होता है, रेस्टलेस होता है, प्लेफुल होता है, एक्टिव होता है, तो ये सब सोरिक सिम्टम है. लेकिन वही सिम्टम जब सिपिलिटिक में जाते तो दैट एक्टिवनेस बिकम रेस्टलेसनेस और एक्टिवनेस राइट, एंड दैट इरिटेबिलिटी सिंपल इरिटेबिलिटी सिंपल टिमिडिटी मर्कसॉल इज टिमिड इन सोरा. नाउ इन सिपिलिटिक ही बिकम फियरलेस
तो ये सिम्टम सोरिक सिम्टम्स हमें देखना है और उसका सोरा उस ड्रग्स से मैच करना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का सोरा उस ड्रग से मैच करना है, दिस इज द मैच ऑफ द सोरा। हम लोग सर यही फंस रहे हैं, जैसे इतना आइडिया नहीं है ड्रग के बारे में ना कि सोरा में ये रहेगा सिप्रिटी। जैसे अब हमको ही ढूंढना है तो हम मसल तो मोटा पकड़ेंगे ना, मतलब अपने को ये लग रहा है यार मसल रहेगा मोटा रहेगा। मोटा तो वो साइकोसिस में होता है जब वो डिसोबीडियंट बन जाता है। तो जैसे क्या है सर, ड्रग का नॉलेज हम लोग पढ़े भले से लेकिन सही सही नॉलेज नहीं है, सही बात यही है, और इसमें हम लोग का केस गड़बड़ हो रहा है। तो पता है आप लोगों को, मेरे गुरु हमेशा ये कहते थे कि किसी भी ड्रग का नॉलेज बढ़ाना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कितना सिंपल कहते थे। है ना, हम ऐसा तो उस जमाने के उस ऑरा के पर्सन नहीं है कि बस आके बंद कर ली बुक सामने ऐसे इमेजिन कर लिया और वो पूरा माइंड में चले गए। सही बात है, उसे खुले खुले आंख रख के पढ़ना पड़ेगा तो माइंड में जाएगा, और हमारे माइंड इतने भी अच्छे नहीं कि एक बार पढ़ लिया और पूरा चले गया। हमारे को तो बार बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो फिट होता है। यस, लेकिन हम लोगों को क्या आइडिया भी नहीं है जैसे कैसे पढ़ना। जैसे अभी आपने जो बताया सोरा में होगा, ज्यादातर पेशेंट पहले तो नहीं देते। हेलो, चाइल्डहुड, आज ही हम एक लेडीज को देख रहे थे, नी में ओए था जो है वही लेके आई थी, तो बहुत एक डेढ़ घंटा पूछा कुछ नहीं मिला सर, और जिसने भेजा था बड़ा नाम करके भेजा था। अभी मैं यही क्वेश्चन मुझे एक किसी डॉक्टर ने पूछा व्हाट्सएप पे, क्वेश्चन क्या था कि ट्राइमाइजमेटिक मेट्रामेडिका कैसे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आपको तीनों भी मायाजम की सिम्टम्स अगर आपको ड्रग्स में पढ़ना है, मेडिसिन में पढ़ना है, तो आपको हैनेमन का मेट्रामेडिका प्यूरा पढ़ना पड़ेगा। उसमें सोरिक सिम्टम, साइकोटिक सिम्टम, सिफिलिटिक सिम्टम सब दिए हैं। तब जाके ट्राइमाइजमेटिक मेट्रामेडिका आपका परफेक्ट होगा। वैसे समझ रहा सर, सुने एक एक ड्रग का 3-4 हजार लक्षण होता है। तो क्या हुआ वो, उसे आप कैटेगराइज कीजिए बराबर कि ये तो सिम्टम्स हो रखा है, ये हमें वो परमानेंटली माइंड में नहीं रखना है। हमें खाली इतना देखना है कि सल्फर में सोरिक सिम्टम किस टाइप के कितने हैं, और साइकोटिक के कितने, सिफिलिटिक के कितने, और ये सिम्टम सोरा में जाता है, ये सिम्टम साइकोसिस में जाता है, ये सिम्टम सिफिलिटिक में। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि हर ड्रग के उतने 4,000, 5,000, 15,000, सल्फर के तो 15,000 सिम्टम्स है, उतने का ध्यान में रख पाएंगे। लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि यस दिस इज कवर्ड बाय सल्फर, दिस इज कवर्ड बाय मर्क्सॉल। जो सर आपने सल्फर पढ़ाते समय बताया कि सल्फर का पेशेंट जांच नहीं करवाना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन से दो बड़े केस अभी उसे काफी रिलीफ। तो एक क्या है, कोई ऐसा बुक रहे जहां पे, मतलब हेनेमन सर का तो बहुत बड़ा बुक होगा, लेकिन अगर ऐसा सर का जैसा बुक है, ज्यादा सिम्टम ना हो, ट्राइमाइजमेटिक, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कंफर्ट जोन में रहेंगे तो लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना। हमें रेडीमेड चाहिए हर चीज, ऐसा नहीं। जितना आप मतलब खुद होके पढ़ेंगे, खुद होके उस चीज को एनालाइज करेंगे, खुद होके किसी पेज को बुक को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो परमानेंटली माइंड में रहेगा, रेडी है ना। जैसा कि घर में गुलाब जामुन बनाना है, जब आप खुद बनाएंगे कि उसमें खोवा लिया आपने तो उसमें मैदा कितना डालना पड़ेगा, उसमें दूध भिगोने के लिए कितना डालना पड़ेगा, उसके लिए घी या तेल कितना लगेगा तलने के लिए, या फिर शक्कर कितनी लगेगी, जो हम शक्कर का जूस बनाएंगे वो कितना लगेगा, ये जब हम खुद करेंगे तब हमें पता चलेगा अरे यार ये तो है इजी, लेकिन कितना परफेक्ट वो माइंड में रहेगा। लेकिन अगर आपने दुकान में जाके गुलाब जामुन आधा किलो लेके आए, खाते वक्त खा लिए, बोलेंगे कि इसमें शक्कर ज्यादा हो गई,
है ना, तो वो तो रेडीमेड लाए, आपको पता भी नहीं चला वो कैसे बनाए, कैसे किसने बनाया, कैसे बनाए, क्या माइंड से बनाए, और हमने बोल दिया कि उस पे शक्कर ज्यादा हो गई, लेकिन हमें उसके पीछे का कुछ भी पता नहीं। तो वो कितने दिन तक ध्यान में रहेगा, वही एक बार आपने गुलाब जामुन लाके खा लिया उसमें शक्कर ज्यादा थी, तो एक 10-15 दिन आप ध्यान में रखेंगे कि एक बार लाया था उसमें शक्कर ज्यादा थी, अब नहीं लाऊंगा। लेकिन जो आपने खुद बनाया वो आपके कितने दिन तक माइंड में रहेगा, और वो आप दूसरों को भी बता सकते हैं, पूरी थ्योरी है ना। इसीलिए खुद से प्रिपेयर करना ऑलवेज बेटर, रेडीमेड के पीछे मत भागो। और अगर आप आपको ऐसा लगता है कि हनीमन की जो बुक्स है उसमें कुछ कुछ हमें रेडीमेड चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। आप हनीमन की बुक पढ़ेंगे ना तो वो तो प्योर है, उसके आगे सब कुछ फेल है ना। हनीमन की बुक के आगे कोई भी बुक काम का नहीं, सब फेल है, लेकिन वो बुक पढ़ेंगे तो वो परमानेंट रहेगा, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी सिम्टम इज कवर्ड, उसमें से कुछ छुटा ही नहीं। और जो जो रेडी बुक पढ़ेंगे आप, जिसमें रेडीमेड है ना, थोड़ा थोड़ा दिया हुआ काम का दिया हुआ, तो मुझे नहीं लगता वो काम का होगा। हमको लगता है काम का। मेरे को बताओ ना आप कि वो बोलते हैं कि ये काम का हमने इसमें दिया और बाकी सब निकाल दिया, कचरा निकाल दिया। अरे वो कचरे में का एक आधा सिम्टम हमें ड्रग सिलेक्शन के लिए काम आता है। ऐसा कोई एक आधा पेशेंट ऐसा सिम्टम दे जाता है, क्योंकि हर पेशेंट में तो सेम सिम्टम मिलेंगे नहीं ना। एक आधा सल्फर पेशेंट होता है, जैसे कि हर सल्फर पेशेंट को हम समझते कि इसको डर्टीनेस बहुत पसंद होता है, ये पेशेंट डर्टी होता है, ये होता है, लेकिन सल्फर में अनक्लीनलीनेस एग्रीवेट, ये भी सिम्टम है। और अगर एक आधा कोई पेशेंट आया उसको अनक्लीनलीनेस एग्रीवेट है, अनक्लीनलीनेस से ही बिकम्स एग्रीवेटेड, तो ये तो हम छोड़ देंगे कि ये सल्फर तो हो ही नहीं सकता, सल्फर तो डर्टी रहता है ना। ये हो सकता है, आर्सेनिक होगा, हो गई ना बड़ी गलती, द बिग मिस्टेक। इसीलिए रेडीमेड के पीछे मत भागो, जो मतलब खुद करेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद अंडरस्टैंड करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। इसीलिए हनीमन की बुक अगर आप मटेरियलिटी का प्यूरा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के तो देखो, फिर देखो उसका कमाल। ओके हेलो सर। यस सर, ओल्ड एज तर सिप्लेटिक एज असते सर, मग डिजनरेटिव चेंजेस रिवर्स होता होतील का या केसेस मध्ये? रिवर्स होई शकते, परंतु डिजनरेटिव चेंजेस जसं आता एखाद्या केस मध्ये आर्थरायटिस आहे, तिथे डिजनरेटिव चेंजेस झाले, स्पायनल कॉर्ड मध्ये डिजनरेटिव चेंजेस झाले, ते तिथे स्टॉप होतील काही प्रमाणात, तिथे जर काही हेल्दी सेल असतील तर ती रिवर्सही होतील काही। परंतु जसं अँकलायझिंग स्पॉन्डिलोसिस आहे की टोटल कम्प्लीट बेंड झाला आणि ओल्ड एज आहे, खूप ओल्ड एज आहे, जसं की 85 पर्यंत गेलेला पेशंट, तर अशा केसेसमध्ये रिव्हर्स होणं खूप कमी, कारण लाईफ स्पॅन पण पहा किती आहे, आणि तेवढ्या पिरियडमध्ये ते तुम्ही त्या केसला रिव्हर्स करणार, तेवढं लाईफ पण त्या पेशंटकडे असायला पाहिजे। परंतु त्याचं लाईफ जे आहे ते खूप इझी करून ठेवलं आपलं मेडिसिन, त्याला पेन कमी होतील, त्यांचे जे काही मुवमेंट्स आहेत त्या थोड्याफार फ्री होतील, म्हणजे तो त्याचं लाईफ इझिली सिम्पल आणि इझिली करून ठेवेल आपली मेडिसिन। क्वालिटी ऑफ लाईफ, क्वालिटी ऑफ लाईफ देईल, येस, पीस ऑफ लाईफ म्हणता येईल। तर अशा केसेसमध्ये पेशंट मालिश करायला जास्त आवडतं, तर त्यांना त्यांना करू द्यायची का सर मालिश वगैरे? नो, मसाज मालिश इट इज सायकोसिस अँड सायकोसिस ऑलवेज क्रिएट अ सप्रेशन। सर फिजिओथेरपी बद्दल काय म्हणणार? फिजिओथेरपी, फिजिओथेरपी इज ऑल्सो सायकोसिस, टेम्पररी स्टिम्युलेशन देके टेम्पररीली मिलता है पेन का, बट दैट पेन, अगर एक सिंपल बात कहता मैं आपको कि अगर आपको फिजिओथेरपी दी और आपके पेन कुछ टाइम के लिए
पेन रिलीव्ड हो गए। ओके, फिर अगर वो पार्ट को रेस्ट चाहिए फॉर क्यूर, और अगर आपको उस पार्ट में पेन नहीं फील हो रहा है अभी बिकॉज ऑफ थेरेपी, बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी, बिकॉज ऑफ एक्यूप्रेशर, बिकॉज ऑफ एक्यूपंक्चर, बिकॉज ऑफ मसाज, उस वहां के पेन टेम्पररी नर्व स्टिम्युलेशन की वजह से डिसअपीयर हो गए, तो आप क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, जो इमोबिलाइज था वो मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे उस पार्ट की मूवमेंट, ये उस डिजीज को एग्रीवेट करेंगी, फ्रिक्शन होकर थोड़ा सा मतलब रीजनरेशन या फिर ये हो जाएगा, एग्रीवेट करेंगे। एग्रीवेट अगर किए जिस पार्ट को रेस्ट चाहिए वहां की मूवमेंट हो रही, तो वो पार्ट हील होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। सिंपल है, साइकोसिस ऑलवेज क्रिएट्स अ प्रेशर। यस डॉक्टर माधुरी। सर हेलो। या मैडम बोलिए। गुड इवनिंग सर। ये इसमें जो इनवॉलंटरी मैच्योरेशन 78, 82, 85 ईयर्स ओल्ड जो लेडीज रहती हैं उनमें स्लीपलेसनेस और ये इनवॉलंटरी मैच्योरेशन जो कंप्लेंट्स कॉमन रहती हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही जाना चाहिए या कुछ? 100%, लेकिन आपको देखना पड़ेगा पैथोलॉजी क्या है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, प्रोस्टेट में कुछ मैलिग्नेंसी है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है या फिर नर्व प्रॉब्लम है, तो वो देख के आपको ट्रीट करना पड़ेगा। सिपिलिटिक तो है 100%, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ही देना है, लेकिन अगर वहां पे कुछ मैलिग्नेंसी है तो आपको फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। एंड स्लीपलेसनेस के लिए भी? यस, स्लीपलेसनेस इट इज बिकॉज ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन। यस हेलो सर। हाँ डॉक्टर कंस। सर बोल रहे थे अभी एक केस मैंने देखा एक घंटे पहले, तो उसका हिस्ट्री लेते लेते मुझे कुछ नहीं मिला 1.5 घंटे तक। लास्ट में उसके हस्बैंड ने बोला कि इनको आंख से कम दिखाई दे रहा था, आंख बहुत धुंधला हो गया था, रोशनी कम हो गई थी, बताती नहीं थी किसी से। तो आपने 1.5 घंटा वो मैडम को क्यों बैठा के रखा? हस्बैंड से पूछ लेना था ना पहले। क्या सर? कुछ नहीं, बोलिए बोलिए। मैं सोच रहा था कि आपको लीक हो रहा है इसलिए बात नहीं करना चाह रहा था, अभी देख रहा हूँ कि और लोग बात कर रहे हैं इसलिए मैं अपने मन का सवाल पूछ दिया है ना। ओके ओके। लेट हो रहा होगा सर, जाने दीजिए अगर बता हाँ। सकते हैं सर, क्या? लेडीज ने आंसर दिया कि मैं लोगों से नहीं बोल रही थी कि जो रोशनी कम हो गया दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे अरे इन्हें दिखाना पा, तो उसको मोतियाबिंद हुआ था दोनों में, तो मेरे को कोई सिम्टम नहीं मिला। लास्ट में मैंने इस सिम्टम से उठाया सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, उसका ओए नी था, आर्थराइटिस हुआ था नी में, और कहीं से कुछ बता ही नहीं रही थी। बहुत देर मैंने ट्राई किया 1.5 घंटे जो है, बचपन का हिस्ट्री में जा रहा था, डॉक्टर साहब याद नहीं, इतना पुराना बात कहाँ याद रहेगा। तो मैंने इसको उठाया, माइजर थी, एंटीसिपेशन था, घर में कुछ झगड़ा देवरानी के साथ होने वाला रहा था, तो वो बोलती नहीं थी कि बोलेंगे तो बात बढ़ जाएगा आगे जाएगा और थोड़ा कंज्यूम। तो मैंने आपने मेडिसिन दे दिए ना उसको? कल के लिए कल दिया सर। अभी नेक्स्ट टाइम वो आएगी ना, तो पहले ये ढूंढना उसमें कि उसे कैटरेक्ट क्यों हुआ, राइट? आपने उसके सेकेंडरी सिम्टम्स ट्रीट किए, लेकिन प्राइमरी क्या है कि कैटरेक्ट आया मतलब क्या, विजन कम हो रही, व्हाई वहां पे कर्टन क्यों आया, क्यों वो कर्टन के पीछे रहना चाहती? कर्टन माने सर पीछे मतलब? कर्टन माने कैटरेक्ट, है ना, लेंस, लेंस पे कैटरेक्ट आया मतलब क्या है, कर्टन आया, कर्टन मतलब वो खुद को हाइड करना चाह रही है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो देखना नहीं चाह रही, वो छुपना चाह रही है। जैसे कि मोस्टली लेडीज ओल्ड एज में ये कैटरेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसी बातें होते हैं जो हमारे माइंड को पट्टी नहीं, लेकिन हमारे सामने होती रहती, इसलिए हम माइंड से, अंदर से माइंड से हम वो चीजों को देखना नहीं चाहते, वो
वो चीजें हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार ये मैं था, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, मैं मेरे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, मैं मेरे हाथ में अगर रहता था तो मैं ये कभी नहीं होने देता था, ये मेंटालिटी बन जाती है। दैट्स व्हाई कैटरेक्ट बिकम्स टू अपीयर। यस, अब जो मैं लेके आया था केस सर, इसका तो उसने ऑपरेशन कराया लेकिन ओए लेके आया था, आर्थराइटिस ऑफ राइट नी, तो हस्बैंड से रिलेटेड है वो, हस्बैंड के सामने उसको झुकना पड़ता है बार बार। हाँ मैं पूछ रहा था, बोले थी कुछ नहीं, उसका हस्बैंड था, बाद में उसके हस्बैंड ने यही सिम्टम बताया कि अरे डॉक्टर साहब इनका स्वभाव ऐसा है ये, इनको आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी कभी बताई नहीं। जब मैं उसको बोला तो बोल रही थी कि अरे अरे हम कहेंगे तो लोग कहेंगे ना इनकी आंख नहीं दिखा थे, अब हाँ इनका रोशनी कम हो गया। तो मैंने सेंसिटिव टू ओपिनियंस पकड़ा, जब कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं, क्योंकि वो हस्बैंड के बारे में भी ज्यादा बोल नहीं रही है, हस्बैंड ने वहां पे सेंसिटिव टू ओपिनियन नहीं आएगा, वहां पे फियर ऑफ ओपिनियंस ऑफ अदर ये आएगा। अच्छा अच्छा ओके अच्छा सर, चलो 5:30 बज गए। हाँ सर, इट इज टू लेट, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हम अभी मिलेंगे डायरेक्ट एक वीक बाद ना, अगर बीच में अगर मैं आ गया जल्दी तो मैं 100% कैरी ऑन करूंगा, लेक्चर लेंगे, आपको मैसेज आएगा, आप व्हाट्सएप देखते रहिएगा, जिस दिन मैसेज आए उस दिन क्लास होगा। ओके, अगर मैं फ्री रहा तो ठीक है। यस डॉक्टर नरेश। यस सर, नहीं मैं आपका हैंड राइज है इसलिए नहीं सर, वो ऐसे हो गया है। ओके ओके, आप शायद आपने टाटा बाय बाय करने के लिए एंटर किया। ओके थैंक यू, सो यस टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।